और इस क्लिप में जो है जहीरा पैर दिखाते हुए दिखा रही थी, उसके कंधे पर एक पैर है और वो कह रही है लाइट कम थी नहीं तो और कंडीशन ख़राब थी। तो ये घटना आज की है कि एक जानी मानी अभिनेत्री भारत की हवाई जहाज में जो है उसके साथ छेड़खानी हुई और ये दिल्ली से बॉम्बे आज जा रहे थे और इसमें जो है एक मिडल एज मैन ने जो है उनके कंधे पर और उनके शोल्डर पर पैर रखा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा कह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले तो इसको इग्नोर किया बट उन्हें फिर ये लगा कि ये चीज़ें जो है उनके साथ जानबूझकर किए जा रहे हैं, यानी कि उनके नेक और शोल्डर को ज़बरदस्ती जो है पैरों से टच किया जा रहा है और जब वो हाफ नींद में थी तो उसके साथ ऐसा बार बार किया गया। और इसकी शिकायत जो है उन्होंने क्रू मेंबर से भी की बट उन्होंने कुछ भी मदद नहीं करी और उसको इग्नोर किया और अब जो है उन्होंने अपना बयान दिया सोशल मीडिया पर। सो आई जस्ट लैंडेड एंड यू नो द होल आईरनी ऑफ दिस इज दैट आई यू नो आई येल्ड दिस इज नॉट डन एट ऑल एंड दिस जॉब इट्स फाइन बट दिस इज नॉट द वे दिस इज नॉट हाउ वी कैन शीट वी मेड टू फील This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves. And this is the worst thing. कौन है जहीरा वसीम? तो इन्होंने जो है दंगल फिल्म में काम किया था और फिर आमिर खान के साथ जो है सीक्रेट सुपरस्टार जो कि 2017 में आई है उसमें भी इन्होंने काम किया और इन्होंने जो है नेशनल चाइल्ड अवार्ड लिया फॉर द एक्सेप्शनल अचीवमेंट। तो बहुत ही टैलेंटेड और नई उभरती हुई कलाकार हैं पर कई मीडिया वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये जानबूझकर फेमस होने के लिए ये स्कैंडल उठाया और क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस जो है थोड़ी कम हो रही थी और ये जो है आप देख रहे हैं कि जहीरा द्वारा शेयर की गई एयरप्लेन का व्यू एयरप्लेन के द्वारा सुंदर माउंटेन या क्लाउड्स की ये वीडियो है। तो हम जो है अपनी संवेदना उनके साथ व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा उनके साथ दोबारा ना हो। जय हिंद।